डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को सबसे पहले ये बताएं कि PCOSs और PCOD क्या है। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़, ये एक बहुत कॉमन हार्मोनल इशू है जो कि फीमेल्स को अफेक्ट करता है। किन फीमेल्स को? जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके सिम्टम्स में आ जाता है इरेगुलर और मिस्ड मेंस्ट्रेशन और ऑयली स्किन और एक्नी, फेशियल हेयर्स, इवन हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली आपकी नेक पे, आपके अंडर आर्म्स पे, आपकी चेस्ट पे, आपकी बैक पे, और आपका वेट गेन होना, ओबेसिटी, ये भी इसके सिम्टम्स में। और कौन सी ओबेसिटी? स्पेशली आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिर डार्क पैचेस आपके लोअर एब्डोमिनल, पेट का जो ज्यादा लटक जाना, वेट बढ़ जाना, पेल्विक मसल का साइज बढ़ जाना, तो ये सारी चीजें उसमें कॉन्ट्रीब्यूट जी जी, ये इसके सिम्टम्स में आ जाती हैं। फिर आपके डार्क पैचेस बन जाते हैं, आपकी नेक पे थिक और डार्क पैच बन जाते हैं नेक पर, अंडर आर्म्स पर, और इसके अलावा आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आता है। असल में इसमें क्या आता है, आपके जो मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल्स में मेल हार्मोन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जब आप PCOS की तरफ जाते हैं तो आपके मेल हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं वो भर जाते हैं। वो लेवल्स भरने की वजह से क्या होते हैं, जो मेल डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल्स में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हेयर फॉल, बाल्डनेस, फेशियल हेयर्स, आपकी जो वॉइस है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा आपकी जो स्किन है उस पर ड्राई पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं इसमें। ये पहले आपको ये जो PCOS या PCOD के जब मसाइल शुरू होते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कि नाज़रीन, हमारे यहाँ चूँकि खाना पीना बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी खानों का बहुत ज़्यादा है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से आप लोग लेज़ीनेस हो जाते हैं। कुछ को खानदानी मोटापा होता है, कुछ को जो है ना वो लगर्जी की वजह से मोटापा होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से अपने आप को, अपने वेट को गेन कर लेते हैं। तो फीमेल के अंदर वेट का बढ़ जाना बेसिकली वो काज है, कॉल्ड करता है कि आपको PCOS या PCOD हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रही। तो डॉक्टर साहब, डाइट पैटर्न में क्या चीज़ें चेंजिंग करनी चाहिए कि जो आपका वेट भी मेंटेन रहे और PCOS या PCOD से आप अपने आप को महफूज रख सके? देखिए, जो PCOS है उसका जो एग्जैक्ट कोज है वो तो नोन नहीं है अभी तक, लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ओबेसिटीज का रिस्क फैक्टर हो सकती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस रिस्क फैक्टर है इसका, फिर इसके अलावा आपके जीन्स, मतलब अगर आपकी मदर को है, आपकी सिस्टर को है, तो ये भी लीड कर, मतलब ये एक इंडिकेटर है कि आपको भी PCOS हो सकता है। फिर आपका जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो 2-3 मैंने रिस्क बताए हैं, अल्टीमेटली ये रिस्क फैक्टर्स क्यों हो रहे हैं, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मेन वो हमारे लाइफस्टाइल की ही है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू PCOS। और स्मोक के भी कुछ असरात होते हैं PCOS वाले मरीज जो आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक स्मोक है। जी जी, तो स्मोक के दिनों में आपके पास PCOS पेशेंट कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, ताकि ट्रैवलिंग में परेशानी होती होगी लोगों को? नहीं, इसका स्मोक के साथ तो ऐसा कोई डायरेक्ट उस तरह से ताल्लुक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई नहीं है। एग्जैक्टली, आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि लोग स्मोक की वजह से घरों से कम निकलते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते हैं, इंडोर रहना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जाती है, तो दिस इज़ हाउ इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा, तो इसमें एक्सरसाइज जो होती है वो मिनिमम मेल हो या फीमेल हो, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं PCOS और PCOD वाले जो पेशेंट होती हैं? जी जी, इनको कितना टाइम जो है वो कंटिन्यू पैदल चलना चाहिए एक्सरसाइज करने? इनके लिए इस तरह से है कि ये लाइट वॉक से स्टार्ट लें और डेली 30-35 मिनट्स के लिए वॉक करें, अपनी जो डेली रूटीन है उसके अलावा से, मतलब ये ना कहें कि हमारा तो पूरा बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, हम वॉक नहीं कर सकते और हमारी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ है। इस चीज़ के अलावा डेली 30-35 मिनट्स ये लाइट वॉक करें, इससे इनकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, बेहतर होने से इनकी हार्मोनल प्रोफाइल बेहतर होगी, और डेफिनेटली जब हार्मोनल प्रोफाइल बेहतर होगी तो वो इश्यूज नहीं होंगे जो हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हो रहे हैं। तो एक हफ्ते में 150 मिनट तक मिनिमम इन लोगों ने वॉक करनी है, वो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, या इसको मतलब डेली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं 150 मिनट्स को।